तो जैसे कि दोस्तों मारुति ऑल्टो को टक्कर देने आ रही है टोयोटा की ये जबरदस्त कार, तो चलिए जानते हैं कीमत और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी छोटी कार उतारने की तैयारी में लग गई है। ये चर्चा काफी समय से चल रही थी कि भारतीय बाजार में टोयोटा की ये छोटी कार लॉन्च होने वाली है। बताना चाहूंगा दोस्तों इस छोटी कार का मुकाबला मार्केट में मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार ऑल्टो और डैटसन गो प्लस फैसली वेरिएंट और रेनॉल्ट स्क्विड के फैसली क्लासिक वेरिएंट से होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा ने अपनी छोटी कार टियागो एगो की 3 यूनिट रिसर्च के लिए टेस्टिंग के दौरान भारतीय बाजार में उपलब्ध करवा दी है और भारतीय बाजार में इस छोटी कार को हम सभी के लिए जून के एंड तक फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों टोयोटा ये कार दिहासु के साथ मिलकर भारत में पेश करने की योजना बना रही है। ये कार भारत में 1000 cc के अंदर वाली कारों को कड़ी टक्कर देने वाली है। टोयोटा की सबसे सस्ती और छोटी कार भी होने वाली है। दोस्तों इंजन की बात करें तो टोयोटा यागो 5 दरवाजों वाली एक छोटी कार है, जो कि 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ 68 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर के जबरदस्त टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा यूरोप में ये कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी भारत में भी मैनुअली के साथ EMT वर्जन को भी उतार सकती है। माइलेज की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में ये कार आपको 35.62 km/l का माइलेज प्रदान कर पाने में जबरदस्त पावर रखेगी, जो कि दोस्तों ऑल्टो से भी काफी ज्यादा माइलेज है और आने वाले समय में दोस्तों ये कार नंबर 1 भी बन सकती है। दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टोयोटा की इस छोटी कार के अंदर आपको फ्रंट पे डुअल एयरबैग्स की सुविधा, साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ABS और EBD जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ आता है। दोस्तों कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में टोयोटा की इस छोटी कार की स्टार्टिंग कीमत मात्र 2.70 lakh rupees से होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा दाम है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें उसकी कीमत दोस्तों 3.60 lakh rupees तक जाने वाली है। अब भारतीय बाजार में दोस्तों लॉन्च होने के बाद ये कार कितना तहलका मचाती है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।